शुरुआत करते हैं 30 सेकंड में खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की। उन्होंने सवाल पूछा है मोदी सरकार से कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, आखिर इससे मोदी सरकार कैसे निपटेगी। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने चीन प्रेम दिखाते हुए मोदी सरकार से जमीन को लेकर सवाल पूछा। Having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory and becoming well, maybe you've got Chinese troops occupying land the size of Delhi, Ladakh. I don't think Mr. Modi's handled China well at all. राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, हमने आक्रामक राजनीति का दौर देखा है जो लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला करती है, और उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण पर गलत मतलब निकालने वाली राजनीति इस वक्त चल रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देर रात वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस के नजरिए में फर्क भी बताया। राहुल ने आरक्षण पर दिए बयान पर भी सफाई दी और दावा किया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। There is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus commandal issue. Increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. अमेरिका में राहुल गांधी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसराइल पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, और इसराइल को लेकर उन्होंने कहा कि इसराइल की कार्रवाई गलत है। अमेरिका में राहुल गांधी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसराइल को लेकर भी अपना नजरिया रखा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर घेरा। बांग्लादेश के साथ राहुल गांधी ने भारत के पुराने संबंध बताए और वहाँ कट्टरपंथ हावी होने की बात कही। There are concerns in India about extremist elements in India. राहुल गांधी ने इसराइल की कार्रवाई और उसको मदद का विरोध किया। Bombing innocent civilians, killing women and children is absolutely. राहुल गांधी के मोदी सरकार के पर हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अब राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। राहुल गांधी के अमेरिका से मोदी सरकार पर अटैक के बाद बीजेपी इसे देश का अपमान बता रही है। बाहर जाते हैं तो भारत को अपमानित करना क्या उनका एक मिशन बन गया है? राहुल गांधी इज ऑन ए मिशन मोड टू डिमीन, डिग्रेड, इंसल्ट इंडिया व्हेनेवर ही गोज अबाउट, और उनका चाइना प्रेम वहां दिखाई पड़ जाता है। जबकि कांग्रेस राहुल गांधी के कहे एक एक शब्द को सही ठहरा रही है। प्रधानमंत्री आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन एक्सपो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीकी का दौर है, सेमीकंडक्टर डिजिटल युग का आधार है, और तकनीकी मानवता का कल्याण करेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:20 पर ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, जिसके बाद वो इंडिया एक्सपो मार्ट में 13 सितंबर तक चलने वाले सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया में 26 देशों के लोग शामिल होंगे। सेमिकॉन में AI तकनीक की झलक दिखेगी। सेमिकॉन इंडिया 2024 के शुभारंभ से पहले सीएम योगी ग्रेटर नोएडा पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट्स डायवर्ट किए। और अब बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति की। तेजस्वी के नीतीश के गिड़गिड़ाने वाले बयान पर बीजेपी और जेडीयू पलटवार कर रहे हैं। सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार गिड़गिड़ाने वाले नेता नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार के गिड़गिड़ाने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। आए थे हाथ पर जोड़े मेरी मां सामने, सब विधायकों के सामने, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, उनका बयान है, मेरे पास वीडियो है भाई उस कार्यक्रम का। तेजस्वी यादव के इस दावे के बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव को घेरा और वीडियो रिलीज करने की मांग की। बदवासी और बौखलाहट में वो अपना अहित कर रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप वो वीडियो और प्रमाण जारी करें।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के मोड में इस वक्त चल रहा है, सियासत वहां पर तेज है और इन सब के बीच आज दिग्गजों के नामांकन का दिन है। बड़ी बड़ी हस्तियां नामांकन करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट और अनिल विज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पहलवान विनेश फोगाट भी आज नामांकन करेंगे। हुड्डा गढ़ी सापला सीट से उम्मीदवार। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है। विनेश सुबह 10 बजे जुलाना से जिंद के लिए निकलेंगे। जुलाना से जिंद तक रोड शो निकाला जाएगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सतपाल ब्रह्मचारी भी इस दौरान विनेश के साथ मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 11 उम्मीदवारों के नाम इसमें घोषित किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं लिस्ट की तो कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी हैं उन्हें आम आदमी पार्टी की लिस्ट में जगह मिली है। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने के बाद आपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के बागियों को टिकट दिया है। बीजेपी से आप में शामिल हुए सतीश यादव और सुनील राव को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आप में शामिल हुए भीम सिंह राठी भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ गढ़ी सापला किलोई से प्रवीण गुस्काले को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के लिए अब तक 40 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है।